ए चुप हो जा, पता नहीं क्या बोल रही है यार। तो मैं इसके साथ पहन रही हूँ ये H&M का बहुत ही प्यारा, यार सब कुछ गिर रहा है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम छछुंदा जैसे बिना। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ईद और देख के मेरे को लगेगा नहीं कि आज ईद है, बिकॉज मेरे को उठने में लेट हो गया, रात को बहुत लेट सोई थी। और ये रही मेरी मेहंदी जो कि मैंने ऐसे बैठे बैठे लगा लिया, और ये रही आयशा की मेहंदी। पता है जब मैं सोकर उठी ना, तो मैंने देखा माव्या रेडी हो चुकी है, आयशा फुल मतलब नहा धोकर तैयार है, बस इसको रेडी होना है। मेरा रूम जल्दी जल्दी मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया, क्योंकि सभी लोग मतलब हट पूरा घर कंप्लीट था, मेरा रूम बाकी था। खैर सब कुछ हो गया है, अभी बारी है मेरे नहाने की। आज मैंने सोचा कि जितना भी होगा आज एक ईद व्लॉग तो बनता है, जो भी आज करूंगी जैसा भी करूंगी आज आपके साथ शेयर करूंगी। ज्यादा कुछ नहीं करने वाली, कहीं भी नहीं जाना है, जा रही हूँ थोड़ा सा जल्दी से शावर ले लेती हूँ एंड देन थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। कम से कम थोड़ा तो फील आ रहा चाहिए कि आज ईद है। क्या कर रही हो? क्या आज्ञापा। ये आ गई घर पे कोमल, रेडी हो गई हो? आई लिपस्टिक, वाह सब रेडी हो गया, बस मैं ही एक बाकी रह गई हूँ। नहीं नहीं साथ में मैं भी। हाँ ना, उठो उठो उठो, हट हट। मेरा मैं कॉपी करती है। हाँ ये अपने भाषा में क्या बोल रही है? और ये रही माव्या जो कि एकदम दुल्हन बन के बैठी हुई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है, कभी कभी प्यारी लगती है। अपना ड्रेस दिखा, तेरा ड्रेस पता है दिखाना मैं भूल गई थी। ये रहा माव्या का ड्रेस जो कि बहुत ही सिंपल उसने लिया है, पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। चल बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये देखो इसने बाल स्ट्रेट कर लिया, स्ट्रेटनर चुपचाप मेरे रूम से गायब हो चुका है। मैंने अभी देखा, शर्म नहीं आता मेरा लिपस्टिक लगा के। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम छछुंदा जैसे बिना। गजब बेइज्जती है। सोचो तुम इतना मेकअप की हुई हो तब जाके ऐसी लग रही हो, और ये देख बिना मेकअप के अच्छी लग रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन? अच्छा मैं चलो जल्दी से मेरे को डालना है। बाय बाय, हटना छी। ओके तो मैंने शावर ले लिया है और ये किधर जा रहा है? हाँ तो अब मैं चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, नए नए कपड़े पहनने की बात ही अलग होती है। तो ये रहे मेरे कपड़े, और इसके साथ ये ग्रीन वाला आज नहीं पहनने वाली हूँ, ग्रीन वाले की कहानी अलग है। और मैंने अपने जो भी ईद में मैंने लिया है ना, वो सब का एक फुल वीडियो मैंने बनाया है कि मैंने ईद पे क्या क्या लिया है, तो जाकर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके चेक कर लेना। तो फिलहाल मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ जो कि बहुत ही प्यारा एक सूट है, और इसको बंद कर देते हैं। ये क्या है उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, जाकर चेक कर लेना। अब इसको बंद करते हैं। ये देखो जैद को, ये मस्त कुर्ता पहनकर रेडी हुआ था और चेंज करके इसने शर्ट और पैंट पहन लिया। अब ठीक लग रहा है? इतनी गर्मी है यार गया में कि मत पूछो। ये ना मेरे से पैसे लेने के लिए मेरे आगे पीछे घूम रहा है, इसको चाहिए ईदी और मैं अभी देने के मूड में नहीं हूँ। कितना चाहिए बोलो ना, कितना चाहिए? 100 रुपए में कम चल जाएगा? चलो ठीक एक नहीं। ओके तो ये रहा मेरा ड्रेस जो कि एकदम सिंपल सूट है, और मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा इस पे मेकअप कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं एकदम थोड़ा सा, क्योंकि कहीं भी नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, तो मेरे को थोड़ा सा इस पे मेकअप करना है, इसका लुक थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा। आप मेरे को बता रहे ये सूट मुझ पे कैसा लग रहा है, अच्छे से रुको दिखाते हो, ये सूट मुझ पे कैसा लग रहा है। ये ईद का टाइम है लेकिन फिर भी देखो मेरे पिंपल्स, मतलब ये कभी भी आ जाते हैं, ये स्पेशली धूप की वजह से आया है, जो शॉपिंग मैंने किया है ना धूप में जा जा कर, ये उसका असर है। खैर यहाँ पे एक नॉर्मल क्रीम ले रही हूँ, जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। ओके तो उसके बाद ना मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लूंगी, पीछे आयशा है, थोड़ा हेवी मेकअप आज इसने किया है क्योंकि उसको अपने दोस्त के पास जाना है, और मस्त इन लोगों की पार्टी शार्टी होने वाली है, तो अच्छी लग रही है। क्रीम लगाया है, अब थोड़ा सा ब्लश। ब्लश को आप चेक कर सकते हो क्योंकि ये लिपस्टिक है, बट एज अ ब्लश यूज करती हूँ मैं, इतना मतलब
इतना स्मूथ ब्लेंड होता है ना, लाइक एकदम क्रीम की तरह, या क्रीम से भी ज्यादा ये क्रीमी है। इसका शेड ब्लश वेलवेट करके है। लिया था तो लिपस्टिक, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये काम एज अ ब्लश आएगा। अब थोड़ा सा आईब्रोज को फिल कर लेते हैं, बिकॉज वरना मैं गंजी लगूंगी। मेरे आईब्रोज आधे से ज्यादा तो उड़े हुए हैं। ये तो मैं लूट कर आ गई हूँ पापा से। परवी, परवी के नाम पर पापा ने सबको 200-200 रुपए दिए। कितना भी अपना पैसा कमा लो, लेकिन बाप का दिया हुआ पैसा का खुशी अलग है, और उनसे छीन कर मांगने की खुशी अलग है। उसके बाद मैं यूज करूंगी यहाँ पे मेरा फेवरेट लिपस्टिक, जो कि शुगर का है, एकदम पिंक कलर, मतलब इतना अच्छा सूट करेगा ना इस पे। मैं इसके साथ पहन रही हूँ ये H&M का, बहुत ही प्यारा, सब कुछ गिर रहा है। ओके, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और मैंने एकदम नॉर्मल मेकअप किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और पता है मुझे कहीं भी नहीं जाना यार, मैंने सिर्फ ऐसे ही किया है, आज ईद है इस खुशी में किया है। और ये आ गई तहसीन पूरी दुनिया से, जब इसको फुर्सत मिल गया ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन। वो शाम का वक्त है, पूरा दुनिया जब घूम लिया इसने और इसके घर में सारी मेहमान नवाजी हो गई, तो फिर टाइम निकाल के ये मेरे पास आई है। तो देखिए अजूबा ये चीज कि मैंने पहना है व्हाइट और इसने पहना है ब्लैक, पूरा ब्लैक। तो ये रेडी है तहसीन के लिए खाने की चीजें, और खाइए। अजान हो रही है। आइए बताइए मेरा बनाया हुआ कैसा बना, एकदम कैसा बना, कैसा? बहुत अच्छा। अच्छा है ना, अंदर तक पूरा ये कर। तो इसीलिए पता है मेरे घर पे ना दही बड़े पहले ही डाल दिए जाते हैं, ताकि अंदर तक वो दही वगैरह सोख ले। पिछली बार अम्मी का हेल्प किया था मैंने, पर इस बार मैंने बनाया है, और जो कि ठीक बना है, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूंगी वाह बहुत अच्छा बना है, नॉर्मल बना है। एक चीज मानेगी, हर जगह का अपना अपना खाने का टेक्निक है, मतलब मेरे घर पे खाना कुछ अलग तरीके से। हाँ हाँ, खाना बनाने का। चलो चालू हो गया इसका डिक्शनरी। गजब बेइज्जती है। अब बताओ छोले कैसे बने? बता कैसा? दही बड़ा से ज्यादा अच्छा छोला है, आंटी बनाइए। ओके, तो तहसीन जा चुकी है और फाइनली हमारा ईद खत्म हो गया है। आयशा ने ऑलरेडी बहुत पहले चेंज कर लिया था, और मैंने तो चेंज नहीं किया था, लेकिन अब भी चेंज कर लूंगी और अपना वही पुराना लुक, ट्राउजर और टी शर्ट पे आ जाऊंगी। अभी जो है ना, मतलब फाइनली ईद खत्म हो गया है और मजा आया, मतलब घर के कुछ फैमिली मेंबर्स आए थे, उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई, इन लोगों के फ्रेंड्स आए थे, ये लोग फ्रेंड के घर भी चले गए, मतलब इसी को तो ईद बोलते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग, छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वो बेटे, आई लव यू।